हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 तारीख, 12th ऑफ जैन। आज है मेरा बर्थडे का दिन, सो बस हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड सुबह सुबह उठ गई हूँ और ठंड तो बहुत है सही में। धूप पता नहीं आज निकलेगा कि नहीं। कचरा वाला गाड़ी है आया है, तो उसी का आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। सो ठीक है, अभी चलती हूँ। कहाँ मैं, आपको तो पता ही है मेरा क्लास बस सब कुछ रहता है, तो यही है। एंड लंच आज तो नहीं बना रही, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। क्लास ख़त्म होगा तो उसके बाद बनाऊँगी, एंड अभी नहीं बनाऊँगी, या फिर लंच में अगर अभी कुछ ऑर्डर कर देते हैं तो। ब्रेकफास्ट अभी नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, ये भी है कि मैं जा रही थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, तो अभी बोल रहे नहीं नहीं ब्रेकफास्ट मैं ऑर्डर कर दूँगा, तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया जोमेटो में, वही डोसा वगैरह। डोसा, फिर मुझे सांभर वड़ा पसंद है, तो डोसा अभी खाएंगे, मैं सांभर वड़ा ये सब। एंड अभी चाय बनाने जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ, बस वही नहावा के अभी फ्रेश हो जाती हूँ क्लास से पहले, यही है। एंड देखते हैं लंच में, इतना ठंड है ना, अगर वो हुआ तो कुछ पता नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, खिचड़ी, इतने ठंड में मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। कचरे वाले का साउंड है, ठीक है चलिए बाद में मिलती हूँ। एंड अभी पूजा, अभी नहाई हूँ एंड पूजा करूंगी अभी। उठ भी सोए केक वेक काटने के बाद, तो आज उठने में लेट हो गया, कुछ भी काम नहीं हुआ था मेरा सुबह। सो अभी पूजा कर लेती हूँ। एंड ये अच्छा लग रहा है ना, नहीं देखे इसमें से बलून फूट भी गए कितने सारे, तो अच्छा एक फूट गया था, अभी ने फिर लगा दिया होगा, यहाँ पे एक फूट गया था बलून, तो ये अच्छा लग रहा है ये डेकोरेशन। एंड ऐसा सच अभी कुछ प्लान भी नहीं है आज का सही में, अभी कोरोना कोरोना ऐसा हो गया ना यहाँ पे ऐसे ग्वालियर में, वरना तो मन था कि घूमने जाए कहीं, खाना पीने तो खाना खाने जाए बाहर, अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो बोल रहे थे चलो, मन नहीं कर रहा, अभी धूप है, आराम भी है, दिन में अगर निकलूँ तो अच्छा ही लगेगा, ठंड भी नहीं रहती, बट अभी मैं कहाँ जाऊँ सोच रही हूँ अभी इस कोरोना के टाइम में, देखती हूँ पता नहीं, मूड के ऊपर भी चलता है, क्योंकि ना वीकडेज पे मन नहीं करता कहीं जाने का, क्लास वास रहता है, काम रहता है, कहीं जाओ भी तो आप दिमाग में वही चलता रहता है काम का सब कुछ। सो वीकेंड हो तो ठीक है, बट वीकडेज पे नहीं होता। और मेरी आंखें भी देखिए कैसे लाल हो रखी है, नींद मेरी पूरी नहीं हुई, रात को भी लेट सोई तो नींद पूरी नहीं हुई है सही में, तो देखते हैं आज कुछ होगा कि नहीं, नहीं तो वीकेंड पे हो सकता है, बट मैं भी नहीं जानती क्या करूँ ना करूँ, कुछ प्लान ही नहीं है सच, यही है। ठीक है चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। इस बार का बर्थडे कैसे एकदम रुखा सूखा जा रहा है, लास्ट ईयर फिर भी अच्छा था, लास्ट ईयर भी ऐसे ही था शायद, मैं बर्थडे के दिन कहीं नहीं गई थी, फिर उसके बाद गए थे हम, हाँ अभी का भी वर्क था कुछ था, फिर नेक्स्ट संडे या सैटरडे ऐसे गए थे, तो अभी भी देखते हैं, अभी तो आज है बुधवार, अब देखते हैं हो सकता है सैटरडे या संडे कहीं जाए, सैटरडे ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, संडे भी नहीं, तो देखते हैं क्या करते हैं, पता नहीं कोई ठीक नहीं है, कुछ प्लान नहीं है सही में, जब जैसा मन करेगा वैसे ही करेंगे और क्या। ये मेरी बची हुई केक रात की, एंड ब्रेकफास्ट के साथ सुबह हवि ने ये सब मिठाई भी मंगवाया है, ये सब मेरे पसंद वाला, ये क्या मिठाई है पता नहीं, मुझे पता नहीं इसमें क्या है, इसमें ये मिठाई है, बापरे गला की मिष्टी है, मुझे ये उतना पसंद नहीं है, ये वाले पसंद है चमचम एंड मलाई चॉप शायद, और पर्टिकुलरली क्या बोलते नहीं पता, और ये दो रसमलाई, रसमलाई और रबड़ी शायद ये मंगवाया है ब्रेकफास्ट के टाइम ही, मिठाई यानी है मेरा रात का बचा हुआ केक ख़त्म। देखिए बेटा खा चुका है, अभी खा चुका है, अभी सुबह अभी खाए थे वो लोग जब मैं क्लास ले रही थी, एंड अब मैं खाऊंगी। तो ये है वेफल केक, वेफल आपको पता है वफल तो हम खाते ही है, अब नया ऐसे निकला है और वफल केक, बट मैं पर्सनली आपको बोलूँगी मत जाइए, मुझे उतना खास नहीं लगा, वफल जैसा है केक थोड़े ही ना है, मतलब वफल केक अभी वही वफल के बीच में ये क्या बोलते हैं क्रीम चॉकलेट ये सब डाल के एंड ऊपर से ऐसे डिजाइन बना के केक निकाल दिया, जैसे आइसक्रीम केक है, फिर आइसक्रीम केक फिर भी अच्छा लगता है, वफल केक वफल जैसे ही लगता है, मुझे कुछ खास नहीं लगा, हाँ चॉकलेट ही है ठीक है, बट अगर मुझे आप बोलोगे पर्सनली केक लूंगी या ये लूंगी तो मैं बोलूंगी केक, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट होता है, अच्छा लगता है खाने में,
चॉकलेट केक एंड वॉफल केक, तो वॉफल जैसा होता है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं भूलूंगी, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है चलता है, बट ये केक जैसा फ्लेवर तो नहीं दे रहा वॉफल केक, वॉफल जैसा ही दे रहा है। मुझे लगा था केक में शायद वॉफल के टुकड़े होंगे, बट ऐसा नहीं, पूरा ही वॉफल है। सो ये है, अब इसको एंजॉय करती हूँ। पता नहीं हबी ने क्या ऑर्डर कर दिया था, अभी आ गया खाना। चलो बाबा खाते, अरे ऐसे मत करो, बिरयानी होगा मुझे लगता है, बेरोस का देखो ये पागल जैसे कैसे डांस कर रहा है, बिरयानी बिरयानी के नाम से, देखो 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 सुनो कैसे कर रहे है, ऐसे नहीं पगला डांस जैसे कर रहे थे बिरयानी के लिए, देखो कारण तुम्हारा तो कालो प्लेट ही आता, हाँ सेम सेम ही आता। देखिए क्या कर रहा, ये अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट भी कर दिया, देखो देखो देखो, हाँ क्यों, मेरा बर्थडे तो मैं खाऊंगी ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या है, कुछ लस्सी वस्सी शेक वेक है क्या, रायता तो इधर है। बेरोज बिरयानी से लंच करेंगे, इसको निकालो, नहीं निकाल पा रहे हैं। एटा की सुनो बोतल है वो, छोड़ो 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 मैं निकालती हूँ, छोड़ो 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 मैं सर्व कर दूंगी, ठीक है कैसे कर रहे हो, नहीं नहीं छोड़ो, पहले बोलो आज किसका बर्थडे है, पहले बोलो तो कौन खाएगा बोलो पहले, है बाबून किसका बर्थडे है, तो मम्मा खाएगी, अरे रे गिर जाएगा तुम अच्छे से, छोड़ो 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 गिर जाएगा, गुस्सा हो गया, देखो गुस्सा हो गया, मेरा बर्थडे तो मैं ही खाऊंगी ना, गुस्सा हो गया, तुमको कुछ नहीं दूंगी, तुमने ऐसा गुस्सा दिखाया ना मेरे बर्थडे में। अभी हम खाने बैठे, मैं बोल रही हूँ कि इसको पहले नहीं दूंगी, पहले मैं खाऊंगी, क्योंकि मेरा बर्थडे तो गुस्सा हो गया। और मेरी फ्रेंड रिंकू ने मुझे फोन किया था विश करने के लिए, विश तो सभी ने किया है मैसेज के थ्रू, दिन में फोन नहीं करते सुदर्शन, सभी फ्रेंड्स जितने भी मेरे जानने वाले सबने किया है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, यहाँ से दिल से सच में बोल रही हूँ थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए। एंड सभी को रिप्लाई मैंने मैसेज में ही किया, कॉल नहीं अटेंड की सबका, मेरी फ्रेंड संगीता ने भी किया था, उसका कॉल अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा क्लास चल रहा था। सो सभी को अभी वन बाय वन खाना वाना खा लेती हूँ, फिर धीरे आराम से करूंगी कॉन्टेक्ट एक के बाद एक, जिनका जिनका मिस कॉल है। सो वही है, तो खा लेती हूँ लंच बिरयानी, और क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट भी आज ऑर्डर कर दिया था अभी ने, तो ऐसा पैम्पर तो करना ही चाहिए है ना, एक दिन बर्थडे के दिन तो ऐसा होना ही चाहिए। बनाने भी नहीं दिया, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा भी रही थी तो बोला मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तो वही है। सो बर्थडे के दिन थोड़ा पैम्पर तो बनता है हर साल ही, हालांकि मुझे ये करता है, और सिर्फ बर्थडे के दिन पैम्पर नहीं करता ऐसा नहीं बोलूंगी, हमेशा ही करता है, लेकिन हाँ खाना बना तो तब बनाना पड़ता ही है, डेली बेसिस तो ऐसा नहीं होगा सब टाइम ऑर्डर। यहाँ पे बिरयानी और बचा हुआ है, बहुत सारा ऑर्डर कर दिया अभी ने, सही में बच जाएगा इतना बिरयानी तो, बट मुझे इस चीज की खुशी है कि बेहरोस फाइनली ग्वालियर में आ गया है। रुको मैं खिलाती हूँ तुमको अच्छे से, रुको रुको मैं अच्छे से खिलाऊंगी, रुको ये अच्छा है ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा अच्छा है। ये क्या तुमको अच्छा नहीं लगता पहले ये बताओ, बाहर का फास्ट फूड सब कुछ अच्छा लगता है, ये अच्छा है, अच्छा है, तुम गंदा बस्सा है। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शाम हो गई है, हबी की हाथ की चाय भी मिल गई, हबी ने आज चाय बना के पिलाया, एंड क्या पता दोपहर के बाद और व्लॉग नहीं की, एक के बाद एक इतने कॉल्स आए, सभी दोस्तों ने विश किया एक के बाद एक कॉल करके, एंड सही में ये इतना अच्छा लगता है, सारी फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं, तो स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स जब फ़ोन करके आपको विश करें उससे ज़्यादा और क्या अच्छा होगा। एंड नियर एंड डियर वंस घर वाले तो करते ही है रिश्तेदार सब, लेकिन सही में सबके फ़ोन आते हैं तो आपको मतलब बहुत स्पेशल फील होता है सही में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सभी का नाम यहाँ लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक के बाद एक, बट जहाँ तक याद है शोंगी, मेरी फ्रेंड शोंगी, प्रतीक, फिर रिंकू, मेरी कलीग्स, एंड देन और मेरी ननद, फिर घर वाले तो सभी है, मौसी वगैरह, मौसा जी, सब एक के बाद एक कॉल आ रहे थे, मेरा फ्रेंड अशीम, देन और
कुछ के तो मिस कॉल भी थे जिनसे बात नहीं कर पाए, क्लास के टाइम कॉल किया था उन लोगों ने, फिर मैसेजेस इतने सारे। सो सही में बहुत अच्छा लगता है। और भी किसी का नाम अगर मिस कर जा रही हूँ तो सॉरी, उतना याद नहीं रख पा रही हूँ। सबसे बात तो हुआ है आज, बहुत एक के बाद एक कॉल ही आए जा रहा था, एक के बाद एक। दोपहर से पूरा शाम तक मेरा 5-5:30 बजे तक मैं फ़ोन में ही बिज़ी रही, ये है। तो बस अभी शाम का तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं है, ठंड भी है, बाहर जाने का मुझे शाम को सही में मन नहीं करता ठंडी में। एंड आज क्लास था इसलिए दिन में भी कहीं नहीं फिर जा पाए, क्लास चलता है उसके बाद कहाँ जाती घूमने, इतना लेट हो जाता है ना। सो देखते सैटरडे वगैरह वीकेंड में अगर होगा तो, बना ऐसे मुझे आलसी भी हूँ थोड़ी, उतना बाहर जाने का मन नहीं है ठंड में, तो घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और खाओ, मेरे लिए वही बेटर है और काम भी है। सो वीकडेज में नहीं होता सही में। तो ठीक है चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ओके फ्रेंड्स, एक मिनट चश्मा क्यों, थोड़ी तैयार हुई हूँ। अब बर्थडे के शाम को ऐसे ही रुखा सूखा जाएगा, वैसा तो हो नहीं सकता, मैं ऐसे बैठने वालों में से तो हूँ नहीं, कहीं नहीं निकल रही, बट थोड़ा सजी धजी हूँ। एंड वो ये वही साड़ी है, वही साड़ी है जो हबी लाए थे, ये देखिए, ये वही साड़ी है जो हबी लाए थे जोधपुर से, तो उसी को पहन लिया है। एंड ये ब्लाउज़ मेरा पहले का ही, उसके साथ मैच कर लिया है, अच्छा खासा हो रहा है मैच, उतना नहीं पर हो रहा है, ठीक है कॉन्ट्रास्ट। सो बस अभी क्या करना है, अभी आपको तो पता है मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, मुझे सबसे पसंद है रील्स बनाना, तो जो कि मेरा फेवरेट है। और कभी भी अगर सजती धजती हूँ और रील्स ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और साड़ी पहना है बहुत दिनों बाद, सही में साड़ी मैंने कितने दिनों बाद पहना, लास्ट दुर्गा पूजा में शायद एक दिन पहनी थी, बट सजी धजी नहीं थी तब, तब तो बस ये करने गई थी, क्या बोलते हैं, पूजा करने गई थी मंदिर में, दशमी के दिन पहने थे। तो आज जब सजी धजी हूँ थोड़ा थोड़ा, सोचा रील्स बना लेती हूँ। एंड अभी भी रील्स कभी नहीं बनाते साथ में, उनको बहुत मनाना पड़ता है, कपल्स रील्स स्पेशली। तो आज जब सजी धजी हूँ बर्थडे में, अभी को पटाखे पटाखे पटा लूँगी, थोड़ा थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके साथ रील्स बना लूँगी। और ये करती हूँ मैं, लास्ट उनके साथ रील्स बनाई थी हमारे एनिवर्सरी पे, एंड उसके बाद एक रील बनाया था शायद दुर्गा पूजा के टाइम। तो अभी आज मौका मिला है सज धज के बर्थडे के नाम पे एक रील बना लूँगी, बस यही है और कुछ नहीं। बस अभी जाती हूँ उस रूम में जाके रील्स बनाती हूँ और क्या, ठीक है आप लोगों से बाद में मिलूँगी। एंड अभी भी बोल रहे थे सज धज, मैं बोली अरे भाई सज धज के क्या करना चाहूँगा, तो बोलता अपने बर्थडे शाम, बर्थडे के शाम को ऐसी रुखा सुखा बैठी रहोगी, मैं बोली कहीं बाहर जाना तो है नहीं, फिर सज के क्या करूँ, तो बोलते फोटो, फिर मैं भी सोची हाँ फोटो वोटो ले लेते हैं क्योंकि ये टाइम चला जाएगा तो फिर आएगा नहीं, तो बेटे के साथ सज धज के थोड़े अच्छे फोटो ले लेती हूँ, अच्छे अच्छे और क्या। एंड सैटरडे हो सकता है थोड़ा घूमने निकले, उसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, आपको तो पता चलेगा ही। तो थोड़ा भी सज धज लिया है तो थोड़ा फोटो भी खींच लेती हूँ उनके साथ, वीडियोस बना लेती हूँ और क्या, रील्स बनाऊँगी स्पेशली, मुझे रील्स बहुत अच्छा लगता है। सो वही है, चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो उस रूम में जाके रील्स बनाऊँगी जहाँ पर इन्होंने बैकड्रॉप बनाया था, बैकड्रॉप डेकोरेशन किया था, तो वहाँ पर जाके रील्स अभी बनाऊँगी, तो यही है। और मुझे लगता है मैं स्पेक्स के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हूँ विदाउट स्पेक्स से, पता नहीं आप भी बताना, ये मेरी खुद की थॉट है, ओपिनियन है, मुझे लगता है मैं स्पेक्स के साथ ज़्यादा क्यूट लगती हूँ विदाउट स्पेक्स के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है, बट पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है। चलिए बेटू भी थोड़ा सजा धजा है, वाह वाह इधर को नला देखने दो पहले, वाह ये देखिए मेरा बर्थडे के एक और देखने दो ना, ये सेकंड ये शाम वाला बर्थडे केक, वाह कैंडी तुम बाद में खाना, मुझे केक कटिंग तो कर लेने दो। ये है मेरा बर्थडे केक, कितना सुंदर है, ये किससे लाए हो, बेकोलॉजी, अच्छा बेकोलॉजी कहाँ है, यहाँ पे बेकोलॉजी कहाँ है, वाह वाह थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मामा, थैंक यू। हाँ
सुंदर, एक हमारा परफ्यूम तो आता है ना ऊपर, ये सब कब लाए? इसका मतलब जब मैं और बाबू थोड़ा ऐसे सो गए थे पलक झपकते तब तुम लेके आए। अरे ये देखो क्या कर रहे हैं ये, क्या? थैंक यू बाबू। देखो ये देखिए फूल भी ले आए अभी कहाँ से, पता ही नहीं चला कि। और केक ये हर साल मुझे ये एक्सपेक्टेड होता है, ये हर साल मेरे बर्थडे में दो केक लाते ही है, एक रात को काटती हूँ और एक एक ऐसे शाम को, मतलब एक एक दिन पहले, मतलब कल ही ले आए थे शायद, एंड एक शाम को एक आता है। ये मुझे पता रहता है कि इंट्यूशन तो रहता ही है, तो बट इस आज मुझे नहीं लगा था क्योंकि निकले नहीं थे घर से, तो मुझे लगा कि शायद नहीं लाने वाले, क्या पता, बट इन्होंने शायद ऑर्डर किया था वो दे के गया होगा, इसीलिए घर में भी थे, मुझे शक भी नहीं हुआ ये केक कब आया एंड ये कब आया पता। तुम ही अंशो कौन आशा, चलो मामा चलो। फ्रेंड्स ये केक आप सब के लिए मैं यहाँ से दे रही हूँ, ये केक मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे रही हूँ, मेरे बर्थडे केक, मेरा बर्थडे केक, मेरे सभी फैमिली फ्रेंड्स नियर एंड डियर वंस, मेरे सभी चाहने वाले, सभी जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे इतना बेस्ट विशेस देते हैं, मेरी शुभकामना करते हैं, मेरे लिए हमेशा शुभकामनाएँ रखते हैं, उनके लिए मैं ये केक यहाँ से दे रही हूँ। ले लीजिए आप लोग। सुनो यहाँ पे एक क्रीम गिरा रहे हैं, यहाँ पे क्रीम गिर गया। ओके फ्रेंड्स रील्स वील्स बन गया है, सही में बहुत अच्छे अच्छे रील्स बन गया अभी को, पटाके इमोशनली ब्लैकमेल करके बना लिया, रील्स सारा शेयर कर दूंगी मैं इस ब्लॉग में भी करूंगी, आपको शायद मेरे चैनल में भी मिल जाएगा शॉर्ट वीडियोस। एंड अभी खाना खाएंगे, खाना भी आ चुका है, ऑर्डर कर दिए थे कबाब प्लेटर वगैरह वही सब, आपको तो पता है मुझे पसंद है कबाब वगैरह और क्या, तो वही सब आ गया है, वही सब अभी खाएंगे, डिनर करेंगे, बस मेरा बर्थडे सॉर्ट आउट, बस सैटरडे अगर घूमने ले गए तो थोड़ा हो गया और क्या। चलिए फिर बाद में मिलूँगी आप लोगों से, डिनर में मिलता है ठीक है। ओके ये है शीख कबाब। यह है फिश कबाब, फिश टिक्का, इसमें चिकन टिक्का मिक्स है एकदम, शमी कबाब भी है यहाँ पे भी है, ये सीख कबाब, सब मिक्स है पूरा प्लेटर। ओके फ्रेंड्स फिर आज के लिए मैं बोलती हूँ आप सभी को गुड नाइट, अभी जाके फ्रेश होती हूँ, मतलब मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ, थोड़ा आई शेडो किया है, फेस में ज़्यादा मेकअप नहीं किया है मैंने, मेन मेकअप आइज में किया तो ये रिमूव करना है, एंड बस बहुत अच्छा गया ऐसे फैमिली टाइम स्पेंड करना और क्या, क्वालिटी टाइम, और सबसे बड़ी बात है रील्स मेरे हबी के साथ, मेरे अच्छे अच्छे रील्स बन गए बस और क्या, एंड अच्छा अच्छा खाना पीना किया और क्या, तो ये अभी रात भी बहुत हो गई, 11:30 बज गया है, तो यही है आज खाते खाते भी डिनर करते हुए भी लेट हो गया, सो अभी बस मेकअप रिमूव करूँगी एंड सो जाऊँगी, एंड बर्थडे था लेकिन बीच बीच में काम भी करती रही, सब कुछ करती रही एंड एन्जॉय भी किया, बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, हबी बेटा है बस और क्या है ना, और क्या चाहिए, तो वही है, हबी ने पूरी कोशिश की अच्छे से मेरी बर्थडे को करने के लिए, मतलब मुझे खुश रखने के लिए, मुझे पैम्पर करने के लिए, सो उन्होंने बहुत अच्छे से पैम्पर किया, आज पूरा दिन मैं खाना नहीं बनाई, पूरा दिन नहीं, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सब आज बाहर से आया है, सो यही है, एंड ब्रेकफास्ट में वही डोसा था आपको बताया, लंच में था बिरयानी एंड रात को तो ये सब था, नान था, ये सब था, कबाब थे एंड उसके बाद पता नहीं मैंने क्लिप लिया है कि नहीं, मुझे याद भी नहीं, कबाब था उसके बाद फिर ये था आपका नान था, चिली चिकन था एंड ये दाल मखनी थी, क्योंकि दाल मखनी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए दाल मखनी हमेशा रहता है रोटी नान किसी भी चीज़ के साथ एंड चिली चिकन, तो वही है एंड बस अभी चीज़ें मेरी पसंद की चीज़ें मंगवाई थी एंड मिठाई जो ये मंगवाए थे आज मैं नहीं खा पाई, सही में नहीं खाया, कभी रखा हुआ है, यही है
जानबूझ के मैंने नहीं ज़्यादा खाया केक, क्योंकि मुझे पता है डिनर में आ रहा है आइटम्स ये सब, सो तब ये कैसे खाऊंगी, इसीलिए फिर भी कुछ कुछ बच गया है चीज़ें, सब कुछ नहीं खा सके। अभी ने ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था एक्सक्यूज़ मी सॉरी। तो वही, चलिए फिर गुड नाइट सभी को, एंड आशा करती हूँ आपको मेरा ये बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो, मेरे हबी के एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो, एंड बस आप बताना कि आपको कैसा लगा मेरा बर्थडे व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो कर दीजिए, एक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, टाटा।